कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। इस एमपी दिए थे, हमारा तो जीरो आया था उस वक्त, तो आप एमपी भी कुछ करके दिखाओ, राजस्थान को अलग से कुछ दिलाओ, आज तक तो दिला नहीं पाए। और हमने तो इस बजट में ये साबित कर दिया कि जनता का दर्द, जनता की परेशानी, जनता से किए वादे और राजस्थान को नंबर वन बनाना हमारी मॉरल ड्यूटी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और बड़ा काम इस बजट में हुआ है, जनता में जय जयकार लग रही है, इसलिए बीजेपी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग सच नहीं बोल रहे, काम की बात नहीं बोल रहे, लगातार झूठ बोल रहे हैं। यूक्रेन मामले में केंद्र सरकार फैल रही है। देखिए, यूक्रेन मामले में तो एक बात आप मानकर चलिए, 6 महीने पहले अमेरिकन जितने भी थे वो बच्चे निकल गए वहाँ से। भारत सरकार जिस तरह से कोरोना संकट के समय हवाई जहाज बंद करने में लेट हो गई, फेल हो गई, इसलिए पूरे देश में उस वक्त कोरोना फैल गया। तब पूरा देश चिल्लाता रहा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स आ रही इनको बंद कर दो, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को इन्होंने बंद नहीं किया, लगातार कोरोना बढ़ता गया। अब की बार इनको पता था। आप ये बताइए, हमारी केंद्र सरकार की नीति और नियत देखो, उनको ये पता नहीं कितना बड़ा युद्ध होने वाला है, वो खुद दिख रहा है। और वहाँ पे पहले प्लेन्स लगाते, सरकारी प्लेन जाते, अब इन्होंने एयर इंडिया को तो बेच दिया। इंदिरा जी ने टाटा से वापस एयर इंडिया को लिया था, इंदिरा गांधी जी, इन्होंने वापस बेच दिया। जो लोग देश की संपत्तियों को बेचने में लगे हुए हैं, और जहाँ अशोक गहलोत कह रहे हैं पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं थी? वो बच्चों को लाने के लिए स्पेशल प्लेन लगाती, बहुत सारे लगाती, 6 महीने पहले निकाल कर लाती और स्ट्रिक्ट आदेश कर दी। केंद्र सरकार लेट हो गई, इसलिए बच्चे वहाँ पर फंस गए। जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, उनके फंसने के लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, उनकी नीति स्पष्ट नहीं थी। यदि उनमें सोच होती और टाइम पर बच्चों को निकाल लेते तो आज ये संकट नहीं आता भारत के बच्चों पर। अब मुझे ये बताइए, मैं इनसे राठौड़ साहब से कहूँगा कि वो बयान तो रोज देते हैं, उन्होंने कहा है मैं कोर्ट जाऊँगा, तो ये बता दें राठौड़ साहब कोर्ट एक तो कब जाएंगे, अब तक क्यों नहीं गए? आज के 15 दिन पहले उनका बयान मैंने आपके चैनल्स पे सुना था, अब उनको कोर्ट जाना चाहिए। राठौड़ साहब बहुत सीनियर आदमी हो, कम से कम कोर्ट जाओ, सिर्फ भारी बार बोलते रहते हो। संविधान के विपरीत कुछ हुआ है, और आपको संविधान की इतनी चिंता है, जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा संविधान का अपमान किया आज उस पार्टी के नेता, आप संविधान की इतनी चिंता करें तो कोर्ट जाओ, सौगंध है, पत्तो पढ़ना चाहिए कौन गलत है और कौन सही है, लेकिन जाओ तो सही। कांग्रेस ने वैसा रुख बदल लिया है, भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है कांग्रेस सरकार की तरफ से। भागवत कथा, हम तो क्या बात कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी तो राम राज्य की बात करती है, जन कल्याण और विकास के आधार पर तो राजस्थान में काम हो रहा है। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास, और ये बात वो क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस पर कोई झगड़ा नहीं है, किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में झगड़ा नहीं है। हम तो राम भक्त हैं और राम का वंशज मानते हैं हम तो खुद, बोले भागवत का पाठ करे हमारे तो, हम तो गोपीनाथ जी के भक्त हैं सारे, काजरियावास में तो गोपीनाथ जी का इष्ट है और जयपुर में ठाकुर गोविंद देव जी का इष्ट है, और यहाँ पे तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर प्यार और प्रेम के साथ रहता है। बीजेपी जो धार्मिक आयोजन करती है उसमें राजनीति का रंग देती है, हम जो धार्मिक आयोजन करते हैं उसमें हर जाति धर्म का व्यक्ति शामिल होता है, यही अंतर है बीजेपी और कांग्रेस। कहा कि आईफोन लुटा दो, लेकिन 5-6 दिन सदन चल गया, सभी लोगों ने अरे आईफोन को ले नहीं रहे, आईफोन वो एमएलए नाराज हो गए, उनके बच्चों को दे दी उन्होंने, वो बेवजह परेशान कर रहे हैं।